वन विभाग की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वन विभाग ने ऊना के खुरबाई के पास नाका लगाकर एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें अवैध तौर पर ले जाई जा रही परंपरागत औषधीय जड़ी बूटी टेक्सस वालिचियाना, जिसे लोग स्थानीय बोली में रखाल भी कहते हैं, ट्रक में भरे 145 थैलों को पकड़ा गया है, जिसकी बाजार में लगभग 3 लाख रुपए कीमत आंकी गई है। वन विभाग नाके के दौरान ट्रक नंबर HP68A0850 को पकड़ा है, जिसमें औषधीय जड़ी बूटी टेक्सस बोलिचियाना के 145 थैले भरे थे, जिन्हें अवैध तौर पर ले जाया जा रहा था। ट्रक में सवार दो युवक, जिसमें जिला कुल्लू निवासी सुरेंद्र कुमार तथा जिला मंडी निवासी हेम सिंह सवार थे, इनके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। ट्रक में सवार दोनों युवकों ने बताया कि इस औषधीय जड़ी बूटी से भरे थैलों को वे जिला कुल्लू से ला रहे थे, जिससे अमृतसर पंजाब में बेचा जाना था। पकड़ी गई परंपरागत औषधीय जड़ी बूटी आयुर्वेदिक दवा बनाने के काम आती है तथा इसका इस्तेमाल कैंसर रोधी दवा बनाने के तौर पर भी किया जाता है। वन विभाग की माने तो ये एक बड़ा तस्कर का मामला है और इतनी बड़ी मात्रा में इस जड़ी बूटी का पकड़े जाना एक बड़ी कामयाबी है। फिलहाल वन विभाग अब जांच में जुट गया है। रात को 12-1 बजे एक नाका लगाया गया था हरिनगर जगह में, खुरवाई के बिल्कुल पास पड़ता है। वहां पे हमारे 5-6 फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर्स थे और पुलिस की भी टीम थी। ज्वाइंट हमने नाका लगाया था। वहां पे हमने एक ट्रक को सर्च किया तो उसमें हमने पाया कि 145 बैग्स टेक्सस वालिचियाना, जो साइंटिफिक नेम है जिसको लोकल भाषा में रखाल भी बोलते हैं, वो हमें मिले। अप्रोक्सीमेटली इसका क्वांटिटी 40 क्विंटल के करीब थी और इसकी मार्केट वैल्यू फिलहाल 3 लाख के करीब हम लगा सकते हैं। और इसमें दो जो लोग थे, एक ड्राइवर और उसके साथ एक और पर्सन था, उसको नैब कर लिया था और रात को ही हमने फिर FIR भी दर्ज करवा दी। ये जड़ी बूटी जो है ये एंटी कैंसरस ड्रग है, मतलब कैंसर को खत्म करने के काम में आती है। ट्रेडिशनल मेडिसिन है, मतलब काफी सदियों से जैसे वैद और हकीम जो यूज करते थे उस प्रकार की मेडिसिन, ये उसके काम आती है। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है जी, मतलब एक IUCN की रेड लिस्ट होती है, उसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज है और ये बैन है, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन जो है ये विद परमिशन ही होती है और जहां तक मैं जानता हूं यहां पे कोई भी परमिशन इस प्रकार की नहीं मिली है किसी को, तो ये वाइल्ड में ही पाई जाती है और इसको एक्सपोर्ट करना विदाउट परमिशन बैन। देखिये, इसमें हम रूल आउट नहीं कर सकते कि कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग भी हो जो कि लोकल्स को एम्प्लॉय करता हो इस प्रकार से, और जो ये प्रोड्यूस है इलीगल तरीके से स्मगल की जाती है हिमाचल प्रदेश टू पंजाब और एनी अदर स्टेट।